चैती छठ महापर्व को लेकर के खुशी मनाई जा रही है। आज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर सामने आई है, जहां खरना का प्रसाद बना रही एक छठ व्रती आग में झुलस गई है, जो अब सदर अस्पताल में भर्ती है। घटना नवादा जिले से सामने आई है, जहां छठ व्रत का खरना का प्रसाद बनाने के दौरान एक महिला आग के चपेट में आ गई। ये घटना रोह थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि गोपाल यादव की 70 वर्षीय पत्नी मुनकी देवी मिट्टी के चूल्हे पर खरना का प्रसाद बना रही थी, तभी आग की चिंगारी उनकी साड़ी को पकड़ गई। जब तक वो कुछ समझ पाती, तब तक आग की लपटे ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और उसके बाद वो जल गई। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले 40 सालों से चैती छठ करती आ रही है। उनका पूरा परिवार छठी मैया की आराधना में जुटा हुआ था। छठ गीत की गूंज थी, लेकिन उसी वक्त ये सारी खुशी मातम में बदल गई। लोगों में चीख पुकार मची है और अब वो अस्पताल में भर्ती। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ? छठ के प्रसाद बना रही थी, उसी के दरमियान आग जो है साड़ी को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद भी जल गई। कहाँ का घटना है? कौन सा? प्रतापपुर। प्रतापपुर कौन सा थाना? रो थाना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज यादव है। आप कौन है उसका? क्या कौन है उसका? आप उनका कौन है? चाची हुई, बड़ी चाची। Thank you.